जनपद के अंतर्गत थाना ओरे क्षेत्र मोहम्मदपुर प्योरोपुर के कई गांव के घरों के लोग आज पहुंचे डीएम कार्यालय और बारिश के पानी के बहाव के अवरोध करने वाले कुछ दबंग जो शिवकांत मौर्य सूरज मौर्य दाऊ के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर डीएम साहब को समस्या से अवगत कराया। कई घरों के नाबदान व बारिश का पानी गांव के आराजी नंबर 54 में चकबंदी के बाद से ही गांव का पानी बहता है, लगभग 25 वर्ष पुराना है। ग्राम पंचायत द्वारा अंडरग्राउंड पाइप लगवाकर नाला बनवाया गया, पर ये गांव के दबंग लोग उस पर मिट्टी गिरा कर उस पर मढ़ा रख कर कब्जा कर रहे हैं। आज जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आप आए हैं कार्यालय में, क्या समस्या लेके आए हैं? हमारे यहाँ गांव का पानी, पूरे मोहल्ले का पानी एक तालाब में जाता था, एक आवासीय जमीन है वहाँ पे, जो कितनी जो कब्जा किया है अभी, और पानी नहीं बहने देते हैं। गड्ढा जो पूरे गड्ढे को फाट रहा है, पानी नहीं जाने देते हैं। ये हमारी समस्या नहीं, हमारे पूरे गाँव की समस्या है, जो कि हम यहाँ अपने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। एप्लीकेशन डाले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ ही दिनों में आपकी कार्रवाई की जाएगी। देखते कार्रवाई होता है या नहीं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अच्छा, ये बताइए कौन है जो पानी की समस्या क्रिएट कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं? तीन लोग हैं, एक लोलारा का पुत्र लंबू है नाम, एक लोग दाऊद खां है, सूरज मौर्य है, सन ऑफ श्यामपली मौर्य। ये तीनों लोग आवासीय जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, पानी नहीं रहा। कितने दिन से ये समस्या है? समस्या तो बहुत दिनों से, हम लोग औराए थाने में भी बहुत कंप्लेंट डाले हैं, लेकिन कोई भी उसका निवारण नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं कंप्लेंट डालने के लिए। देखिए आगे क्या होता है। सरकार से आपकी क्या मांग है, आपके गांव वालों की आपकी क्या मांग है? हमारी गांव की यही मांग है, बस हमारे नाले का पानी उसमें जाना चाहिए और पूरा अच्छे से उसको सफाई कराया जाए, उसको तालाब को पूरा जो कब्जा है उसको तोड़वा के पूरा तालाब खनवाया जाए।